तो हमें इसमें देखना है रिवर्स वर्ड्स इन स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के अंदर जो वर्ड्स दिए गए उसको आपको रिवर्स करना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या, गिवन इनपुट स्ट्रिंग यस रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। वर्ड डिफाइंड इन सीक्वेंस नॉन नॉन स्पेस कैरेक्टर्स, द वर्ड इन एस विल बी सेपरेटेड बाय लीस्ट वन स्पेस, एटलीस्ट वन स्पेस से आपको उसको ये करना है। रिटेनिंग स्ट्रिंग ऑफ द वर्ड रिवर्स ऑर्डर कॉन्केटेनेटेड बाय द सिंगल स्पेस, सिंगल स्पेस से आपको उसको कॉन्केट करना है। यस मे कंटेन द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस, मतलब ये जो रहेगा इसमें आगे और पीछे से भी स्पेस रह सकता है, ठीक है। द रिटर्न स्ट्रिंग शुड ओनली हैव द सिंगल स्पेस सेपरेटेड द वर्ड, डू नॉट इंक्लूड एक्स्ट्रा स्पेस, इसको आप में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रहेगा। तो आप देखेंगे तो ये नॉर्मल है, इसमें सिंगल सिंगल स्पेस है, इसमें लीडिंग स्पेस है, ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा दो स्पेस दिए गए, दो तीन स्पेस है। तो हमें ये सब हटा के रिवर्स तो करना है बट सिंगल स्ट्रिंग के साथ करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो पहले हम इसको लीडिंग एंड ट्रेलिंग इसको हटाते हैं, इसके लिए हमें ट्रिम फंक्शन है, ठीक है। फिर हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ओके, और फिर इसके बाद हम स्प्लिट करेंगे इसको बेस्ड ऑन द स्पेस, और फिर हमें क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग ऑफ अरे मिल जाएगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, फॉर इंट ऑफ आई इज इक्वल टू ए आर आर डॉट लेंथ माइनस वन आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आई माइनस माइनस, और फिर आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो एरर आ रहा है इसको भी ट्रिम करके लेना है, ठीक है, ट्रिम करना है, ओके। और उसके बाद जैसे यहाँ पर हम इसको एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, इफ इफ वैल डॉट इज, मतलब ये एम्प्टी नहीं है, जैसे कि हमने स्प्लिट किया है बट देयर माइट बी अ चांस, राइट, ये स्प्लिट किया स्पेस पर बट यहाँ पर एक्स्ट्रा आ सकता, तो इसे हम इज एम्प्टी से चेक करेंगे। नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्ट्रिंग बिल्डर क्यों बना रहे हैं, स्ट्रिंग क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि स्ट्रिंग हर बार एक ऑब्जेक्ट करेंगे। स्ट्रिंग बिल्डर में हम क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवीएम में मल्टीपल ये नहीं बनेंगे स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, एस बी डॉट अपेंड, फिर क्या करना है, वैल्यू को यहाँ पर अपेंड करना है, डॉट अपेंड, एक स्पेस पे हमें अपेंड करना है, ठीक है, इससे हो गया। और फिर हमें क्या करना है, रिटर्न एस बी डॉट टू स्ट्रिंग, डॉट ट्रिम करना है, क्यों ट्रिम करना है, क्योंकि जब भी हमारा पूरा आयत एलिमेंट यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा स्पेस इसके आगे ऐड हो जाएगा जिसको हमें रिमूव करना है, इसके लिए हम इसको ये कर रहे हैं रिटर्न, ठीक है। तो देखिए हो गया, बहुत ही सिंपल 5 to 6 लाइन में हो गया। तो नॉट एम्प्टी, इज एम्प्टी नहीं, नॉट लगाना है यहाँ पर, ठीक है, नॉट लगाना रह गया था, हो गए तीनों के तीनों टेस्ट केसेस हमारे एग्जीक्यूट हो गए। सबमिट करते हैं, देखिए हमने 84.73 लोगों को बीट कर दिया इसमें, ठीक है। आप इसको चाहिए तो जावा 8 से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स इट इन दिस वीडियो।